हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल टू माय चैनल दिस इज योर ट्यूटर हैरी सो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूं जिसके अंदर हम क्लास टेंथ के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज लेंगे एट पॉइंट वन और उसका क्वेश्चन नंबर टेन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मुझे आप सबका यूट्यूब पर बहुत प्यार मिल रहा है और आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए नए से नए वीडियो लेकर आ रही हूँ So friends thanks for your love and support again i would like to request all the new members who are new to my youtube channel and if they like my video kindly subscribe my channel and adjacent to subscribe button there is a bell icon kindly press that icon so that you can get notifications about the new uploaded video of my channel so friends without wasting much of the time let's get started with our video so friends इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद ही हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे देखिए जैसा कि मैंने अपनी स्लाइड में मेंशन किया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपके सामने एक डायग्राम भी बना है जिसमें मैंने एक ट्राइंगल बनाई है पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड्स होती हैं एज शोन इन द फिगर जिसमें बताया गया है राइट एंगल एट क्यू राइट एंगल का मतलब है कि एक एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का होगा और वो कहाँ पर है क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है एट क्यू तो आप देख सकते हैं फिगर के अंदर क्यू के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है ओके okay. उसके बाद मेंशन किया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इट मीन्स अगर मैं इस फिगर में देखती हूँ ये जो दो साइड्स हैं पी आर एंड क्यू आर पी आर आपका हो गया हाइपटनस एंड क्यू आर आपका हो गया बेस इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो वो कितना होगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होगा एंड पी क्यू इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पी क्यू है मीन्स जो परपेंडिकुलर है आपका वो फाइव सेंटीमीटर गिवन है डेटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी आपको वैल्यूज को डेटरमाइन करना है बताना है किस किस के लिए साइन पी के लिए कॉस पी के लिए एंड टेन पी के लिए जब भी आप वैल्यूज डेटरमाइन करते हैं तो आपका फोकस एंगल पर होना चाहिए तो साइन की वैल्यू किस एंगल के लिए पूछी गई है तो यहाँ पर फोकस हो रहा है एंगल पी पर जो कि कहाँ पर है देखिए ये रहा आपका एंगल पी तो आपका फोकस इस एंगल पर रहना चाहिए इसे कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आगे सॉल्यूशन में आपको बताऊंगी इसी तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू कॉस पी के लिए यानी पी एंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर टेन पी कैलकुलेट करेंगे वो भी एज इट इज एंगल पी के लिए कैलकुलेट होगा सो so फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है या जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की टिप्स ट्रिक्स और फंक्शन और मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो को नहीं देखा है मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप वो मेरी वीडियो जरूर देखें उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी मैं इतनी रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो टिप्स ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में बताए हैं वही मैं इन क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करूंगी सो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या गिवन है हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके ये हमें क्या है गिवन है जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है तो so फ्रेंड्स अब आपकी मर्जी है चाहे आप पी आर की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे आप क्यू आर की वैल्यू निकाल लीजिए आप इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे मैं यहाँ पर पी आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रही हूँ जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर रहती है तो पी आर की वैल्यू कैलकुलेट होगी इट मीनस इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और ये क्यू आर एक्स्ट्रा है लेफ्ट साइड पर इसे मैं राइट right पर भेजूंगी तो क्यू आर के आगे प्लस साइन है और जब ये राइट पे जाएगा तो ये क्या बनने वाला है माइनस क्यू आर तो मेरे पास पी आर की वैल्यू क्या हो गई पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर ओके फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हमें क्या गिवन है हमें गिवन है पी क्यूब इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर जैसे कि मैंने फिगर में मेंशन भी किया है उसके बाद अब मैं क्या करूंगी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो हम यहाँ मेंशन करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना रखी है आप उसे देखकर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं तो मैं डायरेक्ट बता रही हूं पाइथागोरस थ्योरम होती है हाईपोर्टनस स्केयर इज इक्वल टू तो बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर पेंडिकुलर स्केयर हाईपोटनस यहाँ पर फिगर के हिसाब से क्या है हाईपोर्टनस आपका है पी आर तो हम क्या लिखेंगे हाईपोटनस की जगह पी आर होल स्केयर इज इक्वल टू तो उसके बाद बी स्केयर मीन्स बेस स्केयर यहाँ पर हमारा बेस क्या है क्यू आर तो हम बी की जगह लिखेंगे क्यू आर और उसका भी क्या हो जाएगा होल स्केयर उसके बाद प्लस पी स्केयर मीन्स परपेंडिकुलर स्केयर तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू तो आप लिखेंगे पी क्यू को ब्रैकेट के अंदर और उसका भी क्या करेंगे स्केयर कर देंगे अब हम ये चेक करेंगे हम इसमें किस किस की वैल्यू को पुट कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं पी आर की क्या कहीं ऊपर पी आर की वैल्यू है जो यहाँ पुट की जा सकती है यहाँ देखिए पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर तो मैं पी आर की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकती हूँ तो पी आर की जगह क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर इट्स होल स्केयर ओके उसके बाद इक्वल टू देन क्यू आर क्या क्यू आर की वैल्यू कहीं पर है नहीं तो क्यू आर आपका एज इट इज रहेगा जो कि क्यू आर स्केयर ही रहेगा उसके बाद प्लस पी क्यू स्केयर तो पी क्यू की वैल्यू यहां पर देखिए क्वेश्चन में ही मेंशन है फाइव सेंटीमीटर तो हम इसकी जगह फाइव पुट करेंगे और उसका क्या हो जाएगा होल स्केयर अब आप देखिए इस ब्रैकेट की तरफ इस ब्रैकेट में लिखा है ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर होल स्केयर जो कि मेरे किस फॉर्मूले के साथ रिलेट करता है अगर आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है तो मैं यहाँ पर मेंशन करके बता रही हूँ ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी तो ये आपका बनेगा फॉर्मूला जो आप अब इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर ट्वेंटी फाइव आपका ए को डिनोट कर रहा है एंड क्यू आर आपका बी को डिनोट कर रहा है तो इसके हिसाब से अब ये फॉर्मूला हम ओपन करेंगे सबसे पहले लिखा गया है ए स्केयर इट मीन्स अगर ए की वैल्यू आपकी ट्वेंटी फाइव है तो ट्वेंटी फाइव का क्या होने वाला है होल स्केयर उसके बाद प्लस बी स्केयर बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है क्यू आर तो मीन्स क्यू आर का भी क्या होगा स्केयर उसके बाद माइनस टू मल्टीप्लाई ए ए की वैल्यू आपके पास क्या है ट्वेंटी फाइव बी बी की वैल्यू आपके पास क्या है क्यू आर तो ये हमने फॉर्मूला ओपन किया किसका ए माइनस बी होल स्केयर का उसके बाद इज इक्वल टू देन क्यू आर होल स्केयर एज इट इज एंड फाइव का स्केयर आप सबको पता है फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो मैंने यहां स्केयर को ओपन करके लिख दिया उसके बाद देखिए अब ट्वेंटी फाइव का स्केयर खोलना है मींस ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाईड बाई ट्वेंटी फाइव इज योर सिक्स ट्वेंटी फाइव ओके उसके बाद प्लस क्यू आर स्केयर माइनस टू को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फाइव टूजा फिफ्टी और पीछे क्या है क्यू आर मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव ओके इसके बाद अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे क्यू आर स्केयर दिख रहा है और राइट हैंड साइड पर भी मुझे क्यू आर स्केयर दिख रहा है तो मैं क्यू आर स्केयर को क्यू आर स्केयर के पास भेजूंगी वो मेरी मर्जी है चाहे मैं राइट right वाले को लेफ्ट में बुला लू चाहे लेफ्ट वाले को राइट right में भेज दू तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी नंबर या एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उन्हें मैं राइट right साइड पर भेज देती हूँ और जब भी कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट right या राइट right से लेफ्ट जाती है तो उनके आगे के साइन हमेशा चेंज होते हैं तो देखिए 625 के आगे प्लस का साइन है उधर जाके ये माइनस होने वाला है क्यू आर स्केयर के आगे प्लस का साइन है ये भी उधर जाके माइनस होने वाला है तो यहां पर बचेगा क्या यहाँ पे रहेगा माइनस फिफ्टी मल्टीप्लाइड क्यू आर इज इक्वल टू इधर रहेगा क्यू आर स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव जो राइट साइड पर पहले से था वो मैंने एज इट इज लिखा और जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो उधर लेके जाएंगे प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव उधर जाके बन गया माइनस सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस क्यू आर स्केयर उधर जाके बन गया माइनस क्यू आर स्केयर अब देखिए प्लस क्यू आर स्केयर माइनस क्यू आर स्केयर दो टर्म सेम हो लेकिन अपोजिट के साइन के साथ हो तो वो दोनों आपस में कट जाती हैं तो क्यू आर स्केयर ने क्यू आर स्केयर को कट कर दिया तो आपके पास देखिए क्या बचेगा यहाँ पे रह जाएगा माइनस फिफ्टी क्यू आर इज इक्वल टू यहां देखिए प्लस माइनस माइनस सिक्स ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी फाइव जाएगा तो क्या बचेगा सिक्स हंड्रेड बचेगा लेकिन बड़ी टर्म का साइन क्या ट्वेंटी फाइव बड़ा है या सिक्स ट्वेंटी फाइव बड़ा है हम सबको पता है सिक्स ट्वेंटी फाइव बड़ा है तो उसके आगे जो भी साइन होगा वो एज इट इज आएगा क्योंकि बड़ी टर्म का साइन ही हमेशा सॉल्व करने के बाद आता है अब ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा तो यहां पर अब हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 600 हंड्रेड डिवाइडेड बाय फिफ्टी अब डिवाइडेड बाय 50 कैसे आया क्योंकि क्यू आर और 50 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था जो भी मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड पर टर्म होती है राइट right पर जाके वो डिवाइड हो जाती है तो देखिए इस जीरो से ये जीरो गया और ये ट्वेल्व पे कट जाएगा क्यू आर की वैल्यू क्या बनी ट्वेल्व सेंटीमीटर अब आप ध्यान दीजिए क्यू आर की वैल्यू आपके पास आई ट्वेल्व इट मींस क्यू आर अगर फिगर में देखेंगे तो फिगर में आपके पास ये बनेगा ट्वेल्व सेंटीमीटर इसके बाद हमें निकालना क्या रह गया पी आर तो पी आर कैसे निकलेगा वो बहुत ही इजी है देखिए यहां पर मैंने एक वैल्यू मेंशन करी है पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू आर अब आप सबको पता है अभी अभी मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी है कि क्यू आर की वैल्यू ट्वेल्व है तो पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस इस क्यू आर की वैल्यू को यहां पुट करेंगे जो कि हमें रिजल्ट क्या देने वाला है इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा थर्टीन सेंटीमीटर इट मीन्स हमारे पास पी आर की वैल्यू भी क्या आ गई थर्टीन सेंटीमीटर अब आप चेक कीजिए क्या ये दोनों वैल्यू अगर आपस आप में प्लस की जाती हैं, इट मींस पी आर प्लस क्यू आर करते हैं तो क्या ट्वेंटी फाइव आता है पी आर की वैल्यू थर्टीन है प्लस क्यू आर की वैल्यू ट्वेल्व है इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमें ट्वेंटी फाइव रिजल्ट ही दे रहा है इट मीन्स हमारी दोनों वैल्यूज बिल्कुल सही आई हैं। अब इसके बाद बचता क्या है डेटरमाइन द वैल्यूज अब वैल्यू निकालनी रह गई किस किस की साइन पी की कॉस पी की एंड टेन पी की अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा मैं आपको इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके बता रही हूँ फिगर मैंने आपके सामने बनाई है लेकिन अब हमें फोकस कहाँ करना है हमें फोकस करना है कि जो साइन कॉस और टेन की वैल्यूज निकालनी है वो किस एंगल पर निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के ऊपर ही बेस्ड है अगर आपने जरा सी एंगल में चूक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो देखिए साइन के साथ भी पी है कॉस के साथ भी पी है एंड टेन के साथ भी पी है इट मीन्स हमें पी एंगल पर फोकस करना है पी कहा पर है पी सबसे टॉप पर हमें नजर आ रहा है मीन्स इस एंगल पे हमें फोकस करना है अगर मैं इस एंगल पर फोकस करती हूं तो मेरा ये क्या बनना चाहिए बेस क्योंकि एंगल हमेशा कहा होता है प्लेन के ऊपर होता है प्लेन मींस बेस के ऊपर होता है एंगल कभी भी आपने हवा में नहीं देखा एंगल हमेशा कहा होता है बेस के ऊपर रिलाय करता है तो ये हमारा क्या बनने वाला है बेस और ये हमारा क्या बनने वाला है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस ओके okay, अब मैं इसी फिगर को थोड़ा सा घुमा देती हूं आप घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं अदरवाइज आपको यहीं से ही क्लियर हो रहा होगा ओके okay, तो अगर इस फिगर को घुमाया जाए तो ये फिगर किस तरीके से बनने वाली है आइए हम वो भी देख लेते हैं अब ये बेस आएगा कहाँ नीचे तो इट मींस अगर ये बेस नीचे आ रहा है तो ये रहा आपका पी ये रहा आपका क्यू अब ये बेस आया यहां उसके बाद Q के ऊपर क्या है R तो Q ये रहा Q के ऊपर R मींस सीधा आएगा ऐसे ओके okay, और P और R आपस में मिल रहे हैं तो ये पॉइंट बन गया आपका R अब ये एंगल जो है अब वो नीचे है और Q पे 90 डिग्री का एंगल पहले भी था अब भी है तो फिगर घूम के आ गई इस तरीके से तो ये बनेगा आपका बेस ये परपेंडिकुलर और ये आपका बनेगा हाइपोटनस ओके okay, तो अब देखिए पी की वैल्यू क्या है फाइव एंड क्यू आर की वैल्यू क्या है ट्वेल्व एंड पी आर की वैल्यू क्या है थर्टीन अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप चाहे तो फिगर को रोटेट कर सकते हैं अगर आपको फिगर को रोटेट नहीं करना तो आप प्रीवियस फिगर के साथ भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं बट ध्यान में यही रखना पड़ेगा कि अगर ये एंगल P है तो मीन्स ये हमारा बेस बनेगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाईपर्टनस होगा क्योंकि एंगल हमेशा बेस पे रे करता है अगर आपको लगता है कंफ्यूजन हो जाएगी क्वेश्चन में गलत हो जाएगा तो आप इस फिगर को रोटेट करके भी बना सकते हैं तो आइए अब इन वैल्यूज को डिटरमाइन कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं साइन पी की तो साइन पी क्या होगा तो मैं उसके लिए आपको एक शॉर्टकट बता रही हूं जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूं जिसमें मैंने फंक्शन टेबल्स के बारे में डिटेल में बताया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन करूंगी तो देखिए मेरा ट्रिक क्या था ट्रिक में मैंने लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ओके तो जो मेरी पहली वैल्यू होगी दैट इज नंबर वन वैल्यू कौन सी है P ओवर H ये मेरी वैल्यू अगर मैं ऊपर से देखती हूँ तो किसके लिए है साइन के लिए है और अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू की बात करती हूँ जो कि है B ओवर H मीन्स बेस ओवर हाईपर्टनस ये किसके लिए है कॉस के लिए है और अगर मैं थर्ड वैल्यू की बात करती हूँ जो कि है P ओवर B मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ऊपर से चेक करूंगी तो ये वैल्यू है टेन के लिए और अगर मैं बाकी वाली टिग्नोमेट्रिक टर्म्स की बात करती हूं अगर ये वैल्यूज नीचे से उठानी शुरू करूंगी मीन्स बी ओवर पी लिखूंगी बेस ओवर परपेंडिकुलर तो ये आएगी हमारी कॉट की वैल्यू उसके बाद हाइपोटनस ओवर बेस हमारी वैल्यू आएगी सेक के लिए हाइपोटनस ओवर परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी हमारी कॉसिकेंट के लिए तो इसे याद कैसे करना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिकेंट अगर ये जरा भी इधर उधर आपने रोटेट कर दिए तो फोर श्योर पूरी टिग्नोमेट्री आपकी गलत होने वाली है तो इसी ट्रिक की मैं बात कर रही हूं तो मेरा ट्रिक इसी सिमिट्री में चलना चाहिए इसका जरा भी सिक्वेंस इधर से उधर नहीं होना चाहिए पहले साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक फिर ओके तो देखिए साइन पी की वैल्यू निकालनी है तो साइन के लिए क्या हमारे पास वैल्यूज होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपटनस तो पी ओवर एच अब आ जाइए फिगर के ऊपर फिगर में परपेंडिकुलर कहा है परपेंडिकुलर आपका ये रहा जिसकी वैल्यू है ट्वेल्व ओवर हाईपर्टनस की वैल्यू आपकी क्या है थर्टीन तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू निकल के आई उसके बाद हम फोकस करते हैं कॉस पी के ऊपर तो कॉस पी की वैल्यू हमारी क्या रहने वाली है तो कॉस देखिए साइन के बाद आएगा जो कि है बेस ओवर हाईपर्टनस तो लिखेंगे बी ओवर एच तो बेस हमारे पास कितना है बेस हमारे पास फाइव है ओवर हाईपर्टनस कितना है थर्टीन है तो ये हमारी आ गई सेकेंड वैल्यू उसके बाद लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है हमें टेन पी तो टेन की वैल्यू कॉस्ट के बाद आती है जो कि होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस तो प्रपेंडिकुलर ओवर बेस एज पर फिगर क्या होने वाला है देखिए परपेंडिकुलर इज योर ट्वेल्व ओवर बेस इज योर फाइव तो हमारे पास तीन वैल्यूज आई तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमारी आंसर बनेंगी होप फ्रेंड आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियो जो भी बनाऊँ उसमें पूरी डिटेल में डिस्कशन करूँ अगर स्टिल लगता है कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं सो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन फॉर नाउ मैं अगेन आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगी So, friends, I will meet you in the next upcoming video. Till then, take care. Bye bye.